आसमान में दिखते अनगिनत तारों की कसम, हर्ष अपनी मैत्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मंगलसूत्र ने 7 सालों तक हमारा रिश्ता बांधे रखा, लेकिन आज तुम्हारी इस एक ना ने हमारे रिश्ते की और इस मंगलसूत्र की अहमियत को खत्म कर दिया। नहीं, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? मुझे मम्मी पापा से बात करनी होगी। फोन करती हूँ। नंबर से संपर्क करना चाहते हैं पहुंच के बाहर है। जिस नंबर से संपर्क, मम्मी पापा का फोन भी नहीं लग रहा। क्या करूं? इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे अकेले नहीं ले सकती और ना ही किसी से शेयर कर सकती हूँ। जी जिद मत कीजिए भगवान के लिए, आप इन्हेलर ले लीजिए ना। कुसुम, अरे कुसुम तू बचपना काहे कर रही है भाई? तेरे बीमार पड़ जाने से का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी बात मान, ओम इसको जबरदस्ती इसकी दवाई दे सांस की। अरे बहुजी वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए मेरे हाथ पकड़े हुए उन्होंने। कुसुम का कर रही है, तेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। क्या कर रही है चाची जी, छोड़ दीजिए अपनी सेहत और ले लीजिए इन्हेलर। आपकी जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए, हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारी इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। मजाक बन रहा होगा हमारा। बाहर बाहर लोग बातें कर रहे होंगे। चीची क्या जवाब देंगे हम सबको? हम कभी भी सर उठा के नहीं जी पाएंगे। नहीं नहीं कुसुम, ऐसा नहीं। कुसुम नहीं चाची जी, आपका सर पहले भी नहीं झुका था और अभी भी नहीं झुकेगा, और मैं आपका सर कभी झुकने भी नहीं दूंगा। मैं नंदनी से शादी करूंगा। मैंने अभी जो भी बोला है ना, तुम उसके लिए रेडी नहीं हो, लेकिन मैंने सच बोला और मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ मां, सटीक और सच बोल रहा हूँ। आप लोगों का यही डर है ना कि समाज और बाहर वाले लोग नंदनी पर झूठा इल्जाम लगाएंगे, उनकी तरह तरह की बातों का टॉपिक बनेगी हमारे घर की बात। तो आपके डर का सलूशन है मेरे पास, मैं नंदनी से शादी कर लेता हूँ। अगर 7 फेरे लेने से बाहर वालों का मुंह बंद हो जाता है तो होने दीजिए, क्योंकि आज जो हुआ है इसमें नंदनी की भी कोई गलती नहीं थी। पर अगर उसकी गलती नहीं थी तो सजा भी नहीं भुगतेगी।
जवाब दो नंदनी। गए आराम करना चाहिए था ना, भूख लगी है। मम्मा कुछ ले आए? सरप्राइज। ये क्या है बेटा? आप दोनों शादी करके मेरी विश पूरी कर रहे हो ना, तो विश पूरी करने वालों को रिटर्न गिफ्ट देना गुड हैबिट्स होती है। और मैंने आप दोनों की रिंग बनाई है। टीवी पे देखा था मैंने, रिंग बनाकर अपनी शादी फिक्स कर लेते हैं। आप दोनों भी एक दूसरे को रिंग बनाकर अपनी शादी फिक्स कर लो। फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। आप पहनाओगे ना रिंग मम्मा? मम्मा लो ना, पहनाओ ना बड़ी को रिंग, उनको बनाओ ना मेरा पापा। आप पहनोगे ना बड़ी? पहनाओ ना मम्मा, प्लीज पहनाओ ना, प्लीज मम्मा पहनाओ ना रिंग, प्लीज प्लीज बड़ी को पहनाओ ना रिंग, प्लीज। मैं कड़वी वाली दवाई भी खा लूंगा, प्लीज मम्मा पहनाओ ना प्लीज। नंदनी से शादी करूंगा।
मैंने अभी जो भी बोला है मैंने सच बोला है और मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब दो नंदनी। हमने सुना है तेरी मम्मी का तेरे चाचू के साथ चक्कर चल रहा है। झूठे, ये सब झूठे। तुम लोग बहुत गंदे हो, हो गंदे। Bad people, हमें गंदा बोलेगा? आजा लड़ ले, आजा। तुम लोग बहुत गंदे हो, हो गंदे। नंदिश बेटा क्या कर रहे हो तुम? हटो वहां से। नंदिश क्यों? हाँ दादी, बाहर फाइट हो रही है। कुछ बच्चे चाची को बैड वर्ड्स बोल रहे थे। नंदिश भैया उनसे लड़ने चले गए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू के बारे में अनाप शनाप बोलने की? ओम, ये आजकल के बच्चे ऐसी बातें बच्चों के मुँह से शोभा देती है का? नंदिश बेटा बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? और आप बाहर क्या कर रहे थे? क्यों लड़ रहे थे उन दूसरे बच्चों से? आपके बारे में बुरा बोल रहे थे मम्मी, सुन के चुप थोड़ी बैठता। भैया रुको। I'm sorry डॉक्टर साहब, लेकिन आप बार बार एक ही चीज मुझसे मांग रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता स्वयं के असली माँ बाप कहाँ है। मुझे तो ये तक नहीं पता कौन है, इसीलिए स्वयं के असली पापा का बोन मैरो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जैसी चीज होती ही नहीं है मैत्री। अगर स्वयं को बचाना है तो कहीं से भी ढूंढिए उसके फादर या मदर को। यही एक तरीका है आपके बेटे की जान बचाने का। हाँ, एक और बात, स्वयं को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मत आने दीजिए। उसका कैंसर का स्टेज जानने के लिए हमने टेस्ट किए हैं। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए घर का माहौल हल्का और खुशनुमा रखिए, और जैसे ही उसके पेरेंट्स का कुछ पता चले प्लीज इन्फॉर्म मी। ठीक है, थैंक यू। मैत्री, मैंने पुलिस स्टेशन में पिछले 7 सालों में गायब हुए बच्चों की रिपोर्ट्स निकालने को कहा था, लेकिन वहाँ पर तैयार हूँ। किस लिए? एंगेजमेंट के लिए। स्वयं चाहता है ना कि हम शादी कर लें, तो हम बहुत जल्द शादी करेंगे। मैं अपने बच्चे को हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो वो चाहता है। मैं तैयार हूँ हर्ष। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ हर्ष। इस बार मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो?
मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब भी नहीं। मैं तो बस तुम्हारी हामी सुनने का वेट कर रहा था। हे महादेव, ये क्या चल रहा है हमारे घर में? ये सारी बातें हमारी समझ से तो एकदम बाहर की है। जी जी, हमें भले ही समझ में ना आए लेकिन महादेव को सब पता है वो क्या कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की मर्जी है लेकिन लेकिन मैत्री के बारे में सोच को सो, उसका क्या होगा है? ये सब यहाँ चलता रहेगा, उसको कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे उसे इन सब बातों के बारे में? जी बेटा, इधर आओ। आपने जो मुझे गुड न्यूज सुनाई थी ना, वो स्वयं वाली, वो सबको सुनाओ, सब बड़े खुश होंगे। ओके पॉप्स, आपको पता है स्वयं की मम्मी उसके यश बेटी के साथ शादी कर रही है। खुश है क्योंकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। हर्ष, हर्ष बेटा, मैत्री मैत्री ब्याह कर रही है का? बोल बोल बेटा। मतलब मैत्री भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। सब बर्बाद कर दिया। जी जी, एग्जैक्टली चाची, मैत्री अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, तो मैं हम सब क्यों ना आगे बढ़े? तो इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो हर्ष, क्योंकि मैत्री शादी कर रही है? नहीं नंदनी, मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जूही और नंदिश को एक माँ बाप की जरूरत है। मैत्री की जो मर्जी वो करे, आई डोंट केयर, पर मुझे मेरे परिवार और बच्चों की बहुत फिक्र है और उसके लिए मुझे दूसरी शादी करना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ हर्ष। मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मम्मा, आप यही साड़ी पहनना, आप इसमें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जाऊं। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया, उधर आज परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी
कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसात, हो घर आजा परदेसी